दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल की राजनीति तेज हो गई है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 में होने हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी यानी कि आप को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 5 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 5ों पार्षदों ने दिल्ली बीजेपी के नेताओं की उपस्थिति में बीजेपी को ज्वाइन किया। इस दौरान वीरेंद्र सचदेवा, रामवीर भीदुरी समेत कई नेता वहां पर मौजूद रहे। अब चुनाव से पहले ये आपके लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है। दिल्ली की राजनीति में हलचल मचाने वाला एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आपको बड़ा झटका देते हुए पार्टी के 5 पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस घटनाक्रम से राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है और इसे आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान भी माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले आम आदमी पार्टी के 5 पार्षदों के नाम अगर बात करें उनकी, तो रामचंद्र जो कि वार्ड नंबर 28 के पार्षद हैं, पवन सहरावत वार्ड नंबर 30 के पार्षद हैं, मंजू निर्मल वार्ड नंबर 180 के पार्षद हैं, सुगंधा विधुड़ी वार्ड नंबर 178 से पार्षद हैं, ममता पवन वार्ड नंबर 177 से वो पार्षद हैं। आम आदमी पार्टी ने इस घटनाक्रम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आप प्रवक्ताओं ने आरोप लगाया है कि इन पार्षदों पर बीजेपी की ओर से दबाव डाला गया था और उन्हें धमकाकर पार्टी बदलने के लिए मजबूर किया गया। आपने इसे लोकतंत्र के खिलाफ एक साजिश करार दिया है और कहा है बीजेपी इस तरह से हथकंडों से दिल्ली के मतदाताओं को भ्रमित नहीं कर पाएगी। इस घटनाक्रम पर दिल्ली के राजनीतिक समीकरण का गहरा असर पड़ सकता है। विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही दिल्ली की राजनीति में नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। 5 पार्षदों का इस तरह से पार्टी बदलना आपके लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। अब विश्लेषकों का मानना है कि इन पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने से भाजपा को स्थानीय स्तर पर फायदा हो सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां के पार्षद प्रभावशाली रहे हैं। वहीं आपके लिए ये एक चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है जहां उसे न केवल चुनाव की तैयारियों में जुटना है बल्कि अपनी पार्टी के भीतर असंतोष को भी दूर करना होगा। आम आदमी पार्टी इस घटनाक्रम के बाद अपनी रणनीति में बदलाव कर सकती है। पार्टी ने संकेत दिए हैं कि वह बीजेपी के इस कदम का करारा जवाब देने के लिए तैयार है और जनता के बीच जाकर उन्हें सच्चाई से अवगत कराएगी। बीजेपी दूसरी ओर इसे अपनी सफलता के रूप में देख रही है और संभवतः चुनाव प्रचार में इसका लाभ उठाने की पूरी कोशिश करेगी। विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को लगा ये झटका राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही अहम है। दिल्ली की राजनीति के बदलते समीकरण और इस घटनाक्रम के चुनावी नतीजों पर क्या असर होगा, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन एक बात जो साफ है, चुनावी जंग अब और भी दिलचस्प होने वाली है और आने वाले समय में राजनीतिक उठापटक और भी तेज हो सकती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।